तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो चलिए, अभी हो गई है शाम का वक्त है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इतनी हीट वेव 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ हो गया है, जिसकी वजह से मैं अभी गार्डन में कोई वर्क नहीं कर रही हूँ, जिससे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न क्या है कि मॉर्निंग सुबह से जो होता है 6-7 बजते बजते ही इतनी गर्मी हो जा रही है कि छत पे रुकने का मन ही नहीं कर रहा है। शाम के अभी बज रहे हैं 5:30 और देखिए अभी 5:30 के समय भी इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। तो मैं सोची आज मैं, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत से कमेंट भी आ रहे थे फ्रूटिंग को लेकर के कि फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फूल जो है ड्रॉप हो रहा है, छोटे छोटे फल जो है वो पीले हो गए, सूख रहे हैं, तो कोई दवा बताइए मैडम, कोई खाद बताइए। तो देखिए, ये सब जो रीज़न हो रही है, ऐसा नहीं है कि हमारे प्लांट में किसी चीज़ की न्यूट्रिशन की कमी से हो रही है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं गर्मी के कारण। इतनी तेज़ गर्मी है कि हम इंसान आधा घंटा भी देखिए छत पे नहीं रुक पा रहे हैं तेज़ गर्मी की वजह से। तो हमारे पौधे देखिए कैसे सर्वाइव करेंगे। बस अभी कोई काम मत कीजिए जब तक टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। सब्जी को, अच्छी सब्जी हमें मिलने के लिए 30-35 बहुत है। अगर 30 तक हमारी टेम्परेचर रहती है, 30-35 तक भी अगर रहती है तो उसमें हमें बहुत अच्छी सब्जी मिलेगी। लेकिन 35 से जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी सब्जियां फ्रूटिंग करना बंद कर देगी, फूल जो है सूखने लगेंगे, बेल खराब होने लगेंगी। ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, प्लांट को दवा या फर्टिलाइज़र देना शुरू करते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि हमारे प्लांट और भी ख़राब होने लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये देखिए कद्दू की बेल है, ये सारे ऊपर के टिप देखिए कद्दू के झुलस गए हैं। तो ये हम जब बोलेंगे कि ये जो है किसी न्यूट्रिशन की कमी से हुआ है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है बहुत तेज़ ही गर्मी की वजह से ये सब हो रही है। जैसे ही थोड़ा मौसम सही होगा अपने आप जो है न्यू ग्रोथ आएगी। मैं क्या करूँगी कि इस टाइप के टिप्स को कट करके हटा दूंगी और जो नए नए ब्रांचेज फिर आएंगे उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हमें मिलेगी। तो अभी इस समय हमें फ्रूटिंग की आशा बहुत कम करनी है, क्योंकि प्लांट को सर्वाइव कराना ही अभी मुश्किल हो रहा है, तो फ्रूटिंग कहाँ से लेंगे। तो गार्डन टूर के साथ हम आज इसी टॉपिक पे आप सबसे डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो है मैं सिर्फ 2 वर्क ज़्यादा कर रही हूँ। मॉर्निंग में भी अगर आपके, जैसे अभी इवनिंग का समय है, आप सब देख सकते हैं मैं अभी थोड़ा जल्दी पानी डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो बनाना था तो लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो फिर अंधेरा होता है। तो ऐसे परिस्थिति में मैं क्या करती हूँ ना कि शाम के समय पूरे पौधे को देखिए, मैं अभी एकदम डीपली पानी से इस सबको नहलाई हूँ, पूरे अच्छे से सावरिंग की हूँ। मिट्टी में देखिए पूरा पानी है, अभी आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी गीली है, यहाँ तक कि ओवर वाटरिंग के नीचे रूट तक पानी जाके डीप निकले। तो इस तरह से मैं अभी एकदम पानी दे रही हूँ, चाहे वो कोई भी फल वर्गीय पौधा हो या कोई भी हो। देखिए इस तरह से जो हमारे फल वर्गीय भी पौधा हैं वो बस हैं लगे हुए, आम है तो ये गर्मी का ही है। तो अभी इसमें कोई काम नहीं कर रही हूँ, कोई खाद नहीं दे रही हूँ, सिर्फ इसी तरह से पानी का सावरिंग और अच्छे से कर रही हूँ अपने प्लांट पे। और मिट्टी में एकदम, मतलब मिट्टी को मैं सूखने नहीं दे रही हूँ, ताकि जो है हमारा पौधा जो है सूखने से डिहाइड्रेशन होगा, प्लांट को पानी की कमी होगी, तो ऐसी स्थिति में प्लांट हमारा खराब हो जाता है। तो प्लांट को आप सूखने मत दीजिए, एकदम बिल्कुल प्रॉपर पानी का आप केयर कीजिए, सुबह शाम पानी दे सकते हैं। देखिए मैंने जहाँ भी सब्जी लगाई है इसमें मैंने अभी कल परसों ही गर्मी की जो लाल भाजी होती है या फिर ग्रीन जो साग होती है उसे आप लगा सकते हैं, इतनी गर्मी में भी वो अच्छे से निकल जाएगी। बाकी देखिए रोज वगैरह में फूल आ रहे थे, लेकिन उसकी पत्तियां देखिए कैसे जल गई है। तो अब ये सब में कुछ करने का नहीं है, मैं ऐसे ही बस रख दी हूँ, जैसे ही मानसून आएगी उससे मैं ट्रीटमेंट करूँगी, मतलब पूरी कटिंग वटिंग करूँगी, तो इसमें न्यू ग्रोथ शुरू होगी।
कुछ भिंडियाँ मैंने देखी इस तरह से ग्रो बैग में 3 भिंडी लगाए थे, तो फ्रूटिंग देखिए, फ्रूटिंग का साइज जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जैसे फ्रूटिंग हो रही है लेकिन साइज छोटा हो रहा है, तो ये सब का रीजन वही है। कुछ प्लांट इधर भिंडी के थे जो फरवरी के टाइम ही लगाए गए थे, तो इनमें देखिए बिल्कुल अब पत्ते भी खराब हो गए हैं और प्लांट उतना हेल्दी भी नहीं दिख रहा है, तो इन सबको कबार देने में ही मतलब उचित है कि इन्हें कबार कर हटा दिया जाए। लेकिन अभी इतनी गर्मी है, गार्डन में हम कुछ लगाएंगे नहीं, क्योंकि कबारेंगे फिर मिट्टी को थोड़ा धूप दिखाएंगे, फिर खाद वाद मिलाएंगे, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे। इसकी वजह से इन सबको अभी ऐसे ही छोड़ा हुआ है। परमानेंट जितने भी प्लांट हैं हमारे, सब में बस पानी दी जा रही है टाइम टाइम टू, जैसे 15 दिन 20 दिन पे गुड़ाई कर दे रही हूँ। बाकी इधर हमारी बेलवर्गीय जो सब्जियाँ थी, ये सब देखिए गर्मी में होती अच्छी है, लेकिन जितनी फ्रूटिंग होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है इतनी तेज़ गर्मी की वजह से, तो थोड़ा फ्रूटिंग में कम दिख रहा है। जैसे कम अगर टेम्परेचर रहता ना तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होता, तो फ्रूटिंग तो हो रही है लेकिन कम हो रही है। बेलवर्गीय सब्जी लगाया था अप्रैल लास्ट होते होते लगाई थी, इस तरह से नेनुआ वनुआ का जो हमारा प्लांट था उसे मैंने लगाया था। तो देखिए मैं इसे अभी ऊपर नहीं चढ़ा रही हूँ, इसको नीचे ही रख रही हूँ। रीज़न क्या है कि नीचे जब ये थोड़ा मिट्टी से इसे मॉइस्चर मिलेगा प्लांट को, तो प्लांट थोड़ा सही रहेगा। अगर हम ऊपर चढ़ाएंगे तो प्लांट हमारा बिल्कुल झुलस के और भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगी, बरसात थोड़ा सा मानसून आएगा, तो इसके बेल को हम ऊपर सही से चढ़ा देंगे, तो फिर हमारा ये नेनुआ का भी प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। और जो लोग भी अभी जैसे ये देखिए, ये नेनुआ हम कद्दू जो है, ये हमारा कद्दू का पौधा है, ऊपर चढ़ा हुआ है, तो प्लांट बिल्कुल पीला पड़ गया, आपको दिख रहा होगा। तो इसकी कोई दवा या फिर कोई फंगीसाइड ऐसा नहीं है कि इसमें कीड़ा लग गया है, नहीं, ये पौधे गर्मी की वजह से ख़राब हुए हैं। जैसे ही थोड़ी बरसात आएगी तो ये प्लांट अपने आप सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम इधर, तो देखिए इधर हमारा बोरो का पौधा लगा हुआ है, तो बोरो में अभी सही चल रहा है, बिल्कुल अच्छी ग्रोथ है। और इधर साइड है नेनुआ, तो नेनुआ का भी वही अभी सेम वही स्थिति है जैसे उस प्लांट की है। तो ये प्लांट और लीफ कट वायरस का भी इसमें अटैक है, लेकिन अभी हम इसमें कुछ दवा नहीं डाल रहे हैं, ताकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि देखिए नीम ऑयल हो या फिर कोई भी दवा हो, तो अभी जो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में प्लांट को जलाने की समस्या हो जाती है, प्लांट जो है जलने लगेगा। नीम ऑयल अगर हम स्प्रे भी करेंगे ना, तो वो पत्तियाँ जो जल जाएगी पीले टाइप का, नीम ऑयल से भी हो जाएगा। तो अभी हम नीम ऑयल को भी अवॉइड कर रहे हैं, जैसे ही मतलब ये जो है लीफ कर्ल वायरस, टेम्परेचर अप डाउन जैसे ही होता है तो ये वायरस का अटैक हो जाता है। वायरस कोई भी वायरस का अटैक जब होगा तो मौसम के अनुसार होता है, जैसे बहुत थोड़ी मौसम ठंडी रहेगी, अचानक अगर गर्मी आ गई बहुत तेज, तो वायरस का अटैक हो जाएगा। अभी जैसे बहुत तेज गर्मी है और अचानक से मौसम ठंडा होगा, तो आपको यहाँ पे कर्ल वायरस का अटैक दिखने लगेगा। तो वायरस का अटैक ऐसे ही होता है, तो इससे बचने के लिए हम स्प्रे का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी 48 डिग्री टेम्परेचर है इसलिए थोड़ा रुक जा रहे हैं, 4-5 दिन के बाद देखते हैं, मौसम थोड़ा सा अभी ठंडा होता है तो उसका हम स्प्रे करेंगे, क्योंकि ठंडा जैसे ही थोड़ी सी क्लाइमेट चेंज होगी तो फिर से अटैक चालू हो जाएगा, तो उसको रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी पौधे हैं सही है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रुक जाइए, और जैसे ही थोड़ी मौसम में ठंडाहट आती है तो आप स्प्रे फंगीसाइड का करना यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। नीम ऑयल का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो अब यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप हर दूसरे दिन कीजिए, आज शाम को कीजिए, फिर कल शाम को कीजिए, फिर तीसरे दिन भी कर सकते हैं नीम ऑयल का। इस तरह से मैं 3-4 दिन लगातार कर दूंगी तो प्लांट सही हो जाएगा ये। अब हम आ जाते हैं तीसरे ग्रो बैग में, तो देखिए तीसरे ग्रो बैग में हमने पूरी भिंडी लगाई थी, तो भिंडी भी अभी थोड़ी सही है। इस क्रॉप में भिंडी की जो है, तो ये देखिए पत्ते आपको थोड़े से इस टाइप के दिख रहे हैं, तो इसमें जो है अटैक आया था, रेड माइट का अटैक आया था, इस तरह से पत्तों पे जो है रेड माइट बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उसके लिए हमने इसको प्रॉपर जो है पानी से ये किया है, इसको पूरा अच्छे से धोई हूँ प्लांट को। जब भी मैं पानी डाल रही हूँ पूरे प्लांट को नहला रही हूँ अच्छे से, तो इसका अटैक थोड़ा कम होगा। ये भी रेड माइट का अटैक इसलिए होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होता है। तो रेड माइट का जब अटैक हो तो आप प्लांट को खूब लहलाइए,
क्योंकि रेड माइट एक मकड़ी है, तो मकड़ी को जो है आपको मतलब नहलाते रहिए प्लांट को, और थोड़ा बहुत स्प्रे करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्लांट में हमने नीम ऑयल का स्प्रे की हूँ तो थोड़ा कम हुआ है, फिर से इधर दो दिन छोड़ दी हूँ, देखती हूँ कल शाम परसों शाम तक अगर रेड माइट अब बहुत कम हो गए हैं बट ये वाइट वाइट अभी दिख रहे हैं, तो देखती हूँ नए पत्ते भी सही है तो इसलिए मैं छोड़ी हुई हूँ, एक दो दिन और देख लेती हूँ उसके बाद फिर से मैं इसमें स्प्रे नीम ऑयल का करूँगी। तो रेड माइट का अटैक कुछ प्लांटों में है, पूरी प्लांट में नहीं है, एक दो प्लांट में ही हुई है, बाकी प्लांट अभी अच्छे और स्वस्थ चल रहे हैं। बाकी इस साइड हमारी मिर्ची, तो मिर्ची देखिए कितनी हेल्दी और ग्रीनिश पे है, तो इसमें भी सिर्फ पानी डाल रही हूँ और प्लांट की ग्रोथ अभी जैसे मिर्च में फल नहीं आ रहे होंगे, देखिए इस तरह से फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल में सेट नहीं हो रहे हैं, तो रीजन मुझे गर्मी ही लग रहा है क्योंकि ये ऐसी मिर्च है कि इसमें बीमारी कम लगती है और कभी भी हमें फल सेट होने की समस्या इसमें नहीं आई थी, खास करके ये जो हमारा मिर्च का प्लांट है मेरे पास ये 3-4 साल से है, मतलब बीज मैं इसी बीज को अल्टरनेट लगाती हूँ, जैसे इसके बीज मैं रख लेती हूँ फिर इसको दे देती हूँ गाछी फिर पौधा मैं तैयार, तो इस तरह से मेरे पास 3-4 साल से यही मिर्च है, तो इसमें कभी भी ये समस्या नहीं आई, सिर्फ गर्मी की में मतलब जब हीट वेव चलती है उस समय इसमें थोड़ी समस्या होती है, बर्ड्स तो आते हैं लेकिन जो है मिर्च में ये कन्वर्ट नहीं होता है। देखिए इसमें क्या है ना कि इसकी रूट जो है बिल्कुल बॉन्ड हो गई, आपको रूट्स दिख रहा होगा ये सब, देखिए इसकी रूट है, तो हम इसकी अभी केयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज गर्मी है, थोड़ी मौसम सही होगी तो मैं इसकी गुड़ाई करके मिट्टी 1-2 इंच की निकाल के खाद डाल के फिर से मैं मिट्टी की भराई कर दूंगी तो ये प्लांट में फल अच्छे आएंगे, और थोड़ी अभी गर्मी से भी फल नहीं लग रहे हैं। तो ये रहा इधर पूरी मिर्ची का अपडेट, बाकी हम आ जाते हैं इधर दूसरे, तो दूसरे ग्रो बैग में देखिए करेला है, तो करेला की भी अभी जो है ग्रोथ रुक गई है, जिस समय बहुत अच्छी ग्रोथ थी देखिए इस तरह से, लेकिन अभी का ग्रोथ थोड़ा रुक गया है और फूल तो इस तरह से आ रहे हैं लेकिन करेला का जो साइज है वो छोटा हो जा रहा है, छोटे जैसे ये साइज देखिए, बहुत ये वाला जो हमारा प्लांट था इसमें लंबे लंबे करेले होते थे लेकिन देखिए ये साइज इस तरह से छोटा हो गया, इसमें भी फल आ रहे हैं इस तरह से देखिए लेकिन फल का साइज छोटा हो रहा है, तो अभी इसके भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और देखते हैं इसे क्या करना है। बाकी ये हमारा बोरो, तो बोरो भी देखिए अभी सही चल रहे हैं पत्ते, ये हमारा 5वां ग्रो बैग है जिसमें भिंडी लगी थी, तो इधर की भी भिंडी सही है, हार्वेस्टिंग हम ले रहे हैं, बाकी ककड़ी तो ककड़ी में तो लगातार हार्वेस्टिंग हो रही है, ककड़ी ऐसी है कि आपको कितनी भी गर्मी रहेगी ना फिर भी ककड़ी एक दो आपको मिलते चली जाएगी, तो बस इसमें प्रॉपर आप पानी का ध्यान रखते हैं तो ककड़ी आपकी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, ककड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इस तरह से आप ककड़ी। बाकी इधर टंकिया में बैंगन लगे थे तो बैंगन में भी फ्रूटिंग कम है, फूल आ रहे हैं इस तरह से, ये देखिए फूल तो बहुत लग रहे हैं लेकिन फल में कन्वर्ट भी हो रहे हैं लेकिन छोटे होके फल जो है ख़राब हो जा रहा है, तो अभी सब नेचर्स के ऊपर छोड़ा हुआ है, जैसे ही नेचर्स देखते हैं क्या करती है। बाकी देखिए इधर, और ये भिंडी देखिए अब इसमें भी बर्ड्स आने लगे हैं इस तरह से, ये देखिए बर्ड्स आ रहे हैं, तो अब इनमें भी फ्रूटिंग उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छी होगी क्योंकि प्लांट की ग्रोथ देखिए अच्छी है, इसमें अभी रेड माइट वगैरह किसी चीज़ का अटैक नहीं हुआ है इस इधर की क्रॉप में, तो ये बहुत अच्छी हमारी क्रॉप भिंडी की है, और इधर इसमें तो हम हार्वेस्टिंग भी ले रहे हैं, ये देखिए जैसे कि ये भिंडी, अब ये भिंडी हमें हार्वेस्ट करने लायक हो गई है तो इसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे, तो इधर से हम हार्वेस्टिंग भी ले रहे हैं भिंडी की, दोनों टंकियों से हार्वेस्टिंग भिंडी की हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, और उधर दो टंकी में अब बर्ड्स आना, तो लगातार जब हम सब्जी लगाएंगे अल्टरनेट 15-20 दिन के गैपिंग में तो आपको अच्छी सब्जियां हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। तो ये रहा अभी का अपडेट, बाकी इधर फूल वगैरह देखिए है, अनार हैं तो अनार में भी फूल आ रहे हैं, गिर रहे हैं कुछ फल में, बन भी रहे हैं, तो ये सब अपना चल रहा है प्रोसेस। ये देखिए इस तरह से गुच्छों में फूल आ रहे हैं लेकिन ये फूल देखिए झड़ जाएंगे, तो आप बोलेंगे क्यों गिर जाएंगे, तो ये जो देखिए ये फूल है मेल फूल है,
तो मेल फूल हमेशा गिर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फीमेल फ्लावर देखिए इस टाइप के होते हैं, इसमें आपको दिख रहे होंगे। पहले ये देखिए, ये अनार होते हैं, ये नीचे फीमेल फ्लावर होता है। ये देखिए, ये गलती से मुझसे टूट गया जैसे ही मैंने इसे पकड़ा। तो इस तरह से जब अनार में मेल फीमेल फ्लावर आपको खुद पहचानना होगा। ये देखिए, ये जो था फीमेल फ्लावर था, तो फीमेल फ्लावर की क्या पहचान होती है, इस टाइप से। ये देखिए, ये ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, नीचे फूल होते हैं। मेल फ्लावर में ऐसा नहीं होता, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए मेल फ्लावर आपका कैसा दिखेगा, बहुत डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल फ्लावर में। देख लीजिए दोनों में अंतर देखिए कितना ज़्यादा है, फीमेल ये है, मेल ये है। तो आप अनार में भी समझ लीजिए मेल और फीमेल। तो आपको हैंड पोलिनेशन खुद से भी कर सकते हैं अनार में भी, और आपकी फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो इस तरह से मेल फीमेल फ्लावर को पहचानिए, तो जो आपको आसानी होगी ज़्यादा अनार लेने में। तो अभी जो फ्लावर आ रहे हैं अनार में, ज़्यादातर मेल फ्लावर ही आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर नहीं आ रही है। तो फुल ड्रॉपिंग होगी। ये चेरी का पौधा है, तो इसमें फूल तो देखिए बहुत आ रहे हैं लेकिन फल सेट नहीं हो रहे हैं। ये मैंने पहली बार लगाया है तो मुझे इसकी एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें फल नहीं आए हैं। तो मैं इसे नहीं कर पा रही हूँ कि कब क्या करूँ कि इसमें फूल आए या फल आए। अगर एक सीजन भी फल आ जाता है तो समझ में आता है कि इस टाइम इसमें फल आएगा, तो हम उस टाइप से अपना केयर करते हैं। तो इसकी कोई अभी मुझे आइडिया नहीं है, बस मैंने लगा दिया है पौधा। तो इस तरह से देखिए अभी गार्डन का काम चल रहा है, कोई काम नहीं है, बस पानी डालने का काम कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा आज का गार्डन टूर का वीडियो और गार्डन का अपडेट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।